जी योगेश जी, आज ऐसी कौन सी खबर है जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने वाली है? यहाँ पर लगातार को लेकर देर शाम एक बैठक की थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जिसमें अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं, जिसमें खास तौर से जो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। किस तरीके से जो यात्रा के जो पड़ाव हैं उन पर किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रहेंगी, किन किन चिकित्सकों की वहां पर नियुक्तियां रहेंगी, कौन कौन सा स्टाफ वहां पर रहेगा, तो इस तरीके की व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। उसके साथ ही जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं, जो लोग चलने में अक्षम हैं या फिर उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत यदि यात्रा मार्ग पर आती है तो किस तरीके से उनको रेस्क्यू किया जा सकता है, वहां तक कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकती हैं, इसको लेकर के भी अहम मुद्दे पर ये चर्चा हुई। और जिसको लेकर के ये बताया गया है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम रहेगी, एम्बुलेंसेस लगातार मार्गों पर रहेंगी, जिस पर किसी भी आपातकाल के समय वो एम्बुलेंस तत्काल प्रभाव से वहां पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए एक नियमित रूप से व्यवस्था फिलहाल यहां पर चारधाम यात्रा के तहत की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने भी कई अहम निर्देश दिए हैं, खास तौर पे जो ऋषिकेश में एम्स है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि ये यात्रा के मुख्य पड़ाव पड़ते हैं और इन दोनों ही जगहों पर इसलिए अलर्ट मोड रखा गया है क्योंकि जो भी यात्रा मार्ग पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो जो नजदीकी मेडिकल कॉलेज या जो नजदीकी चिकित्सालय है उनको खासतौर पर अलर्ट रखा गया है ताकि जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं है वो आसानी से मिल सके, दिक्कत ना हो, और जो यात्री बाहर से आने वाले हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए खास तौर पे यहाँ पर निर्देशित किया है स्वास्थ्य मंत्री ने भी। तो देखा जा रहा है तो लगातार जो प्रशासनिक हमला है फिलहाल चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर लगा हुआ है। और आज ही मुख्यमंत्री का दौरा भी है चमोली जनपद में, वो वहां पर स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्था है उसके साथ ही जो यात्रा मार्ग है उसके मुख्य पड़ाव पर किस तरीके की व्यवस्था है। यदि हम बात करें केदारनाथ की, तो केदारनाथ में क्योंकि वहां पर 14 किलोमीटर का पैदल मार्ग है और 14 किलोमीटर चलने के लिए जो घोड़े या खच्चर की व्यवस्था है या कंडी जो कंधे पे रख करके ले जाया जाता है, तो उन लोगों से भी वहां पर बात की जाएगी कि उनका जो मूल्य है वो निर्धारित किया जाए, अनावश्यक रूप से यात्रियों से कोई पैसा ना लिया जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पर अहम मुद्दे पर बात की जाएगी, जिससे कि बाहर से आने वाले यात्रियों को महंगा सामान न दिया जा सके, इस पर भी नियंत्रण रखने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। जी जी योगेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।